उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बुधवार को भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.8 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह चालू वित्त वर्ष के बजट के मुकाबले 18.5% अधिक है। बजट में शिक्षा के लिए 10,459 करोड़ रुपए, जोशीमठ भूदशाव राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने बजट में हर वर्ग को लाभान्वित किया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने इस बजट को घोर निराशाजनक बताया। जी सर, आज ऐतिहासिक बजट आप लोगों ने पेश किया है, 77,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। कैसे आप इसे देखते हैं और किस तरह का ये बजट है? यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेष कर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं ना कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों, यह भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। 5 सालों में GSTP हमारी दुगनी हो, वह भी इस बजट में प्रावधानित है। साथ ही साथ जो कुल व्यय इस बजट में 77,407 करोड़, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की इसमें वृद्धि हुई है, इसी प्रकार से राज्य के स्वयं के संसाधनों से जो कुल प्राप्तियां हैं 24,744, गत वर्ष के सापेक्ष 18.44% की इसमें भी वृद्धि हुई है। और राजस्व अधिवेश में 4,309 करोड़ का राजस्व अधिवेश इस बजट में प्रावधानित है। पूंजीगत परिव्यय में भी वृद्धि हुई है। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट, नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है, आम जन का के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्रावधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और ये बजट पूरी तरह से जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे 25 वर्ष जब उत्तराखंड के होंगे और अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग शिखर की तरफ होंगे, शिखर पे पहुंचेंगे,
उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट है। और ये बजट पूरी तरह से विकास परक है, जनता और उत्तराखंड के वासियों के लिए ये बजट है। और मैं कह सकता हूँ एक समावेशी, एक संतुलित और एक सभी वर्गों को इस बजट में साधा गया है, यानी सभी वर्गों का ये बजट है। ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ छात्रों की आप देखिए, मैंने कहा था कि छात्रों को किस प्रकार से हम लोग जो उदयमान छात्र हैं, जो हमारे प्रतिभावान छात्र हैं, उनको हर वर्ग के छात्रों को हम इसमें छात्रवृत्ति देने का हमने प्रावधान किया है, हमने युवाओं को साधने का काम किया है, हमने महिलाओं के लिए इसमें काम किया है, कृषकों के लिए हमने काम किया है, उद्यमियों के लिए हमने इसमें प्रावधान किया है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूंजीगत व्यय को बढ़ाने का हमने इसमें काम किया है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, तो ये सारे जितने भी हमारे मद हैं उसमें जिस प्रकार से प्रावधान आज हुए हैं, तो मैं इसे बजट को पूरी तरह से कह सकता हूँ कि हमारे वित्तीय प्रबंधन का बहुत स्पष्ट एक उत्कृष्ट नमूना मैं इसे कह सकता हूँ। और आने वाले समय पे इसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी। जैसा आज सभी वर्गों को हम लोग जब बात करते हैं, पिछली बार जब हमारा, जैसे मैंने कहा था कि हमारा बजट पिछली बार कर राजस्व के अंतर्गत जो बजट का अनुमान था 15,370 का हम अनुमान कर रहे थे, जिसके सापेक्ष अभी 16,951 को जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि ये 10% ज़्यादा है, राजस्व का 10% ज़्यादा है। ये वित्तीय अनुशासन का सीधा सीधा एक जीता जाता नमूना है। और मैं कह सकता हूँ कि ये 77,407 करोड़ का जो बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमने पिछले बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,300 करोड़, 19-20 में 5,100 करोड़, 20-21 में 6,200 करोड़, 21-22 में 3,200 करोड़ का बाजार से ऋण लिया था। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि इस बार सिर्फ 2,500 करोड़ का हमने ऋण लिया है। तो ये वित्तीय अनुशासन का ये भी एक सीधा जीता जाता एक नमूना हमारे सामने है।